मैं साधना वाला की रसोई से बोल रही हूँ। आज बनाएंगे मल्टी आटे की पूड़ियाँ। ये चुकंदर का आटा, ये बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, ये बाजरे का है, मक्के का आटा। तो आओ ज्योति, हम लोग बनाएंगे मिलके ज्वार बाजरे और चुकंदर की पूड़ियाँ। हाँ, ये देखिए ऐसे घूल लिया है। ये अच्छा। मेथी का है भी, ये आटा है मेथी का आटा। हाँ इसको मेथी को थोड़ा सा भाप में पका के इसमें आटे में नमक डाल के, थोड़ा सा मोइन डाल के, जीरा डाल के इसको हमने घूल लिया है। इन सब की अब पूड़ियाँ बनाएंगे। इन ये जो ज्वार बाजरा मक्का, इनकी जो आटा गूंदा है, इसको चावल के पानी में थोड़ा सा गर्म करके नमक मिला के इनको गूंदा है। और अच्छा, चुकंदर का आटा ऐसे ही थोड़ा सा मोयन लगा के इसको गूंदा है, वाह, जैसे आटे का गूंदते हैं। तो चलो गुड। बनाते हैं हाँ ये चलो सब्जी जल्दी से का, बनाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। है ना। ऐसे करके मक्के की पूड़ियाँ बनाते जाएंगे। बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती, देखिए मक्के की पूड़ियाँ। और कितनी अच्छी फूल रही है, हाँ वाह, ज्योति हाँ देख रहे हो ना, बहुत सभी अच्छा लोग लग रहा ऐसे है। बनाते हैं। वाह, चुकंदर का है ये। हाँ ये चुकंदर का आटा है, देख इनकी पूरियाँ भी बनाएंगे। तो ऐसे इसको फिर अच्छे से तलते आएंगे, थोड़ा सा तेज भी करेंगे बीच बीच में उसके हिसाब से। देखिए चुकंदर की पूरियाँ ऐसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छी लगती है। कोई मेहमान आते हैं तो बनाएंगे, बहुत ही नए तरह की पूरी अच्छी लगेगी। चुकंदर के आटे की, इसमें सिर्फ आटा और थोड़ा सा मॉइल लगा के आटे को गूंद देना। तो देखिए इस तरह से पूड़ियाँ बना लेंगे। ये ज्वार की पूड़ी है, चुकंदर की पूड़ी है, ये मक्के की पूड़ी है, ये मेथी की पूड़ी है, बाजरे की पूड़ी है। तो वाह, अलग ज्योति कितने अच्छी ऐसी लग रही हैं, कलरफुल, कलरफुल, कैसा बहुत अच्छी लगा? लग रही है। तो ऐसे बनाएंगे आप लोग और खिलाएंगे, दूसरों को भी बताइए, है ना। और सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, दूसरों को बताइए और बेल आइकॉन बटन हिट करिए।